शोकी में आज एक ऐसी घटना दर्ज हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह घटना हमारे द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर को लाने वाले कुरियर बॉय के साथ हुआ है। यह घटना कुछ इस तरीके की है कि जब भी कोई कुरियर बॉय आता था तो बिल्डिंग के नीचे ही एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रशीद है, वह पहले ही उन्हें बुलाता था और कहता था कि यह पार्सल किसके नाम पर है। जब पार्सल बॉय उसे पढ़कर सुनाता था तो वह कहता था यह मेरा ही है और उसे उस पार्सल का पैसा भी दे देता था और कहता था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम पार्सल ले जाकर ऊपर दे दो। इसके बाद जैसे ही वह आगे बढ़ता था तो वह शख्स फिर से उसके पास आता था और कहता था कि मुझे एक फोन आ गया, मुझे अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 10,000 मुझे दे दो, आप ऊपर जाकर ले लेना। इसके बाद कई सारे पार्सल बॉय इस झांसे में फंस गए और उन्हें पैसा दे देते थे। इसके बाद जब वो ऊपर जाते थे तो उन्हें सारा मामला समझ में आता था, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता था। इसी तरीके से कई ठगी सामने आ चुकी है और परसों के दिन 17 मई 2019 के दिन विजय पार्क में मेरा रोड के अंदर यह घटना फिर से अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि आरोपी अब्दुल रशीद गिरफ्तार हो गया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और अब्दुल रशीद को कस्टडी में भेज दिया गया है। आइए जानते हैं कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। दीपेश सिंह ने करके फिरियादी है, तो मिंत्रा डॉट कॉम में कुरियर बॉय करके काम करता है। वो तारीख 22/4/2019 को उसका कुरियर लेकर नीरा कॉम्प्लेक्स में डिलीवरी करने गया, तो वहाँ पे एक शख्स जो आरोपी जिसका नाम अब्दुल नजीर अब्दुल रशीद था, गोरेगांव का रहने वाला है, इसने उसको रुकाया और उसको पूछा कि किसका कुरियर। उसने वो कुरियर के ऊपर जो नाम है वो नाम पढ़ के सुनाया, ये बोला कि हाँ ये मेरा ही कुरियर है, पैसा कितना हुआ, उसने जो भी पैसा बताया इसने उसको पैसा दिया और बोला कि माँ घर में है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे दे दो। तो फिर ये वहाँ से थोड़ा बाहर निकला है और कुरियर वाई जैसे ही लिफ्ट में जाता है, ये वैसे ही वहाँ पे लिफ्ट में जाता है और उसको और बाहर निकलता है, फोन पे बात करते हुए जाता है, उसको बोलता है फोन पे बात करता है मुझे अभी हॉस्पिटल जल्दी जाना है, मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मैं कुरियर बॉय से 10,000 रुपये ले लेता हूँ, तुम वो ऊपर आ रहे कुरियर देने के लिए तो तुम उसको 10,000 रुपये दे देना। और फिर रखता है और फिर उसको कुरियर बॉय को बोलता है कि अभी मेरे को इमरजेंसी है, तो 10,000 रुपये मेरे को दे और ऊपर जाएंगा तो मैंने माँ को बोल दिया है वो तुझे 10,000 रुपये दे देंगे। ऐसा करके वो कुरियर बॉय को इमोशनल करता है और पैसे उससे ले लेता है। कुरियर बॉय उससे पैसे लेने के बाद वहाँ से भाग निकलता है और कुरियर बॉय जब वो आपके जाता है तो पता चलता है कि ये इसका कुरियर था ही नहीं और उसको फंसाया गया है। इस तरीके से उसकी फसल हुई है। उसके बाद में परसों तारीख 17 को ज्वेल रेसिडेंसी विजय पार्क मेरा रोड में इसी तरीके से यही आरोपी ने इसी तरीके से जो कुरियर बॉय है दूसरे कुरियर बॉय को रुकाया, उसको पूछताछ किया किसका कुरियर है, उसने बताया उसको भी से इसने बताया कि हाँ ये मेरा ही कुरियर है। लेकिन ये इसके पहले जो इंसिडेंट हुआ था इन लोगों ने ये बात कुरियर बॉय को सबको बताई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो कुरियर बॉय थोड़ा होशियार था, उसने पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जिसका कुरियर था उनको बताया कि नीचे कोई है जो बोल रहा है कि मेरा कुरियर है, तो उनको नीचे लेके आया। उनको नीचे लाने के बाद जब पूछताछ हुई तो पता चलेगा इस कुरियर ही नहीं, तो उनको अलग अलग बातें वो बता रहा था, इनको समझ में आ गया कि यही आदमी है जो फंसा रहा है अपने कुरियर बॉय को। तो उन लोगों ने जिनकी फसल हुई थी उन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, बुलाने के बाद उन लोगों ने इसको पहचाना और पहचानने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में लाए, पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनका कंप्लेंट दर्ज किया और उसको अरेस्ट किया है। उसके बाद में अभी वो 20 तारीख तक कस्टडी में है और उन्होंने एक उन्हें की कबूली दी है, हाँ मैंने किया है। इसी तरीके की उसने बहुत लोगों को फंसाया है और मैं गुजारिश करूंगा जिन जिन लोगों को उसने फंसाया होगा, जैसे कुरियर बॉय जिनको फंसाया है जिन्होंने कंप्लेंट नहीं दिया होगा पुलिस स्टेशन में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करे और इस तरीके से कोई भी अगर बोलता है पैसे मांगता है तो आग बंद करके विश्वास ना रखे, उसकी शिकस्त करे। ये मैं गुजारिश करूँगा। थैंक यू।
इस पर आरोपी पर क्या क्या धाराएं लगाई गई है? आरोपी पर 420 का नारा लगा लिया। और कितने दिन का रिमांड है? 20 तारीख से 4 दिन रिमांड। थैंक यू।